नूतनजलयुरित्यादि अष्टष्ठ्यधिक शत कारिकाणां माने 168 कारिकाओं विशद तत्तावपोधिकां मुक्तावल्याख्य व्याख्यां चिकीर्षुः। विशद रूप से तत्व को बोध कराने के लिए मुक्तावली नाम की एक ग्रंथ करने की इच्छा से चिकीर्षुः। प्रारिप्सितस्य मुक्तावल्याख्य ग्रंथस्य प्रारंभ करने के लिए इच्छित मुक्तावली नाम जो ग्रंथ है उसका निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं कृतं प्रार्थना गर्भम श्रेष्ठ देव निर्देशात्मकं मंगलम। निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति होवे उसके लिए प्रार्थना है गर्भ में जिसका, और साथ साथ अपने इष्ट देवता को भी नमस्कार करने के लिए यह मंगलाचरण किया गया। क्यों किया गया? शिष्यापि ग्रंथ रचनादौ एवं करयुः इति शिक्षार्थं। शिष्य लोग भी इसी प्रकार से ग्रंथ रचना है या अन्य कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो उसके आदि में मंगलाचरण करें, यह शिक्षा देने के लिए ही उनने अपना किया हुआ मंगलाचरण को ग्रंथादो निबधनाती ग्रंथ के आदि में जोड़ दिया, ग्रंथ का आदि में जोड़ दिया, बांध दिया साथ में ग्रंथ के साथ उसको भी बांध दिया। नहीं तो मंगलाचरण के आपने निर्विघ्न किया ठीक है, भगवान से प्रार्थना की उसको लिखने की जरूरत थी, इसलिए ताकि शिष्यों को भी शिक्षा मिल सके। चूड़ामणि स्व असाधारण कला तांडव विशिष्ट अनवधिक चमत्कृति ही कर विधु वासुकी रूप आभूषण विशिष्ट से च शंकरस्य स्मरणेन स्मृति विषयीभूत सद्रागेव प्रसन्नः सन् ग्रंथ समाप्तौ विघ्ननाशात्मकं साहाय्यं विनिवर्तेदिति समुत्सुको विश्वनाथ पंचान भट्टाचार्यः एतादृशं स्मरणानुरूपं पद्यं रचितवान् इति। ध्यान रखना है आपने जो कार्य का बनाया वो भी खुद विश्वनाथ पंचान ने बनाया, इस पर जो मुक्तावली टीका लिखी है जिसका आप मंगलाचरण पढ़ रहे हैं ये भी खुद ही बनाया है, लेकिन हम लोग ग्रंथ का ही मुख्य कारिका का ही मंगलाचरण पाठ करते हैं, इसका नहीं करेंगे। ये कि कथे कैसे इन्होंने किया है हाँ, और भगवान प्रसन्न कैसे हो रहे हैं हमारे लिए, और हमारे कार्य की निर्विघ्नता में सहयोग कैसे देंगे वो प्रसन्न होकर के, इसलिए क्योंकि हमने ऐसी ऐसी बात कह दिया इस मंगलाचरण में वो सुन करके शिव जी प्रसन्न होंगे ही, इसमें कोई संशय ही नहीं। क्या क्या विशेषण दिया आपने? स्व असाधारण कला शिव जी, स्व मने शिव, वही अगले का शंकर ब्रैकेट में डाला, इसलिए शंकर भगवान में एक असाधारण कला जो कला किसी दूसरे में नहीं है, कोई अन्य देवता विष्णु में नहीं, ब्रह्मा में, बड़े बड़े कोई भी मैंने छोटे में कहां से आएगा, एकमात्र शंकर में यह कला, क्या? तांडव नृत्य करने की कला। उसको मैंने स्मरण करा दिया, उनको लीला तांडव पंडित कह दिया, अब शिव प्रसन्न न होंगे तो होंगे क्या है, प्रसन्न तो जरूर होंगे वो। ये कह रहे हैं ग्रंथ कहते हैं कला तांड विशिष्टस्य, और कैसे हैं अनवधिक चमत्कृति, जिनके चमत्कार का कोई अवधि ही नहीं, ऐसी ऐसी चमत्कार जो कोई सोच भी नहीं सकता है। क्या चमत्कार किया उन्होंने है? दो बड़ा काम किया है ना, एक तो चंद्रमा को बना दिया सर का आभूषण, और जो वासुकी बना दिया अपने वलय बना लिया है कि नहीं। ये जो उनके चमत्कारी काम है जो अन्य कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता शाम के पास जाने, शाम को पकड़ के अपना वलय बांध लिए, बताओ वासुकी जैसे नाग को साधारण है काम, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? अनवधिक चमत्कृति करहा, कौन क्या है वो समझा रहे स्वयं, विधु और वासुकी रूप आभूषण विशिष्ट से शंकरस्य। विधु माने चंद्रमा और वासु माने सांप, इन दोनों का आभूषण रूप से विशिष्ट हुआ वह शंकर भगवान है जो चमत्कार करने वाले, उनका स्मरण करने से स्मृति विषय भूत हमारे स्मृति का विषय भूता वह जो शंकर भगवान है द्रागे व प्रसन्न झटित ही प्रसन्न हो जाए, जल्द फटाफट क्षण भर नहीं लगेगा, वैसे नाम भी आशुतोष है झटित ही संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते नाम मात्र से पानी मात्र से भी,
इसीलिए वो तो जल्दी प्रसन्न हुए होंगे ना हमारी स्तुति सुन करके। सन ग्रंथ समाप्त हो ऐसा हो करके वे निश्चित रूप में हमारे शिव जी जो है हमारे ग्रंथ की समाप्ति में विघ्न नाशात्मक का जो सहायता हमें जरूरत है उसको निवृत्त अवश्य सिद्ध करेंगे। इति समुत्सुको इस प्रकार से उत्साह से भरा हुआ विश्वनाथ पंचान भट्टाचार्य जी ने एतादृशं स्मरणानुरूपं पद्यं रचितवान। इस प्रकार से शिव को स्मरण करने वाला के अनुरूप एक पद्य को निर्माण किया और प्रस्तुत किया है। इति विशिष्टं स्मरणं हि स्वविषय ज्ञानम् उत्पाद्य स्मरण विषयी भूत विशेषण विशिष्टं प्रसन्नं करोति। ये सब विशेष बात अब होगी मंगलाचरण की, सामान्य अर्थ बता दिया, अविशिष्ट में व्याख्या में जाएंगे। कहे विशिष्ट जो स्मरण कब होता है, सामान्य रूप में स्मरण करना अलग है, विशिष्ट में स्मरण करना अलग है। कहे विशिष्ट स्मरण ही स्वविषय ज्ञान उत्पाद्य स्मरण विषयीभूत विशेषण विशिष्टम प्रसन्न करोति। स्वविषय का जो ज्ञान मैंने शिव विषय जो ज्ञान को उत्पन्न करेगा, शिव विषय का ज्ञान को उत्पन्न करके स्मरण का विषयभूत जो शिव है, स्मरण का विषयभूत कौन है, शिव, वह भी अपना विशेषणों से विशिष्ट होकर के वह शिव क्या होगा, प्रसन्नम करोति, उस विशिष्टम को शिव जी को प्रसन्न कर देगा। अत्र च विश्वनाथ पंचान भट्टाचार्य समवेतम स्मरणम। स्मरण कौन कर रहा है, विश्वनाथ जो है पंचान कर रहे हैं, इसलिए स्मृति कहाँ है, उनकी आत्मा में, नहीं है कौन में, क्या होता है स्मृति रूपा ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा में रहेगा। इसलिए कह दिया कि विश्वनाथ पंचानन महाराज जी के आत्मा में समवाय संबंध से, संवेत मने समवाय संबंध से स्मृति ज्ञान, स्मरण मने स्मृति ज्ञान विद्यमान है। कैसा स्मृति ज्ञान है वो बता रहे, चूड़ामण कृत विधुत्व वलीकृत वासुकित्व लीला तांडव पंडित तत्व विशिष्ट शंकर इत्यागारकम स्मरणम तदेव स्व पदार्थ। वही क्या है, स्व पदार्थ, स्व विषय कब घटाएंगे, स्व विषय ज्ञानान ज्ञान उत्पाद्य है ना, जो पंक्ति आपने पढ़ा था उसको घटा रहे, स्व से क्या लेना वहां, शंकर भगवान पर स्व पदार्थ तद विषय ज्ञानम शंकरीय तदेव स्व, तदेव मैंने जो अभी कहा था क्या, तो तीनों गुणों से विशिष्ट शंकर तदेव स्व पदार्थ, वही स्व से पदार्थ से लेना, स्वप से लेना मैंने किसको लेना, इसलिए शिव जी को लेना, शंकर को लेना। तद विषय ज्ञानम अवस्था शंकर विषय ज्ञान क्या हमारे पास, चूडाम विद्युत वलीकृत वासुकित्व लीला तांड पांडित विशिष्ट शंकर इति स्मृति मान अयम विश्वनाथ पंचान भट्टाचार्य, ऐसे स्मृति वाला यह विश्वनाथ पंचान भट्टाचार्य इस प्रकार ज्ञान इत्याकारकम शंकर समवेतम। ये ज्ञान कहाँ है, शंकर भगवान में जाएगा, ऐसे स्मृति ज्ञान वाला कौन है, वो विश्वनाथ पंचानन है, ऐसे जाना किसने, शंकर भगवान, अतएव शंकर भगवान विश्वनाथ पर प्रसन्न हो जाए। तदुत्पाद्य पूर्वोक्त स्मरण विषय भूत विशेषणानि है ना, हो गया स्व विषय ज्ञान उत्पाद्य, ये हो गया कहां तक हो गया, फिर उत्तर भाग की बता रहे स्मरण विषय भूत पूर्वोक्त स्मरण, अभी जो वर्णन किया था एतादृश गुणत्रय विशिष्ट जो स्मरण है उस स्मरण का विषय भूत विशेषणानि कौन है, चूडामणि कृत विदुत्व वलीकृत वासुकित्व लीला तो पंडितत्वानि तद विशिष्टम कौन, शंकरम प्रसन्नम करोति। अन्वय हो जाता है, यह शंका होता है ननु शंकरस्य ईश्वरतया नित्य ज्ञानवत्तात् तद ज्ञान से उत्पादन न संभवति। आपने ज्ञान उत्पन्न किया उस क्या शंकर भगवान के हृदय में, एक आपने कैसे कह दिया, वहां ज्ञान तो पैदा होता ही नहीं उसके हृदय में, ईश्वर तो आपके न्यायिकों के मत में क्या है, नित्य ज्ञानवान है, नित्य इच्छावान है, नित्य प्रयत्न वाला है, इच्छा ज्ञान प्रयत्न तीनों ईश्वर में न्यायिकों के अनुसार नित्य है, नित्य का मतलब क्या, उत्पन्न विनाशशाली नहीं है, आपने कैसे कह दिया शंकर भगवान के हृदय में मेरे प्रति प्रसन्नता उत्पन्न हो जाएगा, क्यों उसके अंदर ये ज्ञान स्मृति ज्ञान मेरा स्मृति ज्ञान हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, ये कैसे आपने कह दिया। इति यह तो न समझी चिन्ना उत्पादकत्व मात्र, उत्पादकत्व का क्या है, प्रयोजकत्व, कोई क्रिया अगर पैदा होने वाली वार्ता नहीं लेना, उनके नित्य है ही, नित्य ज्ञान को हमने केवल प्रयोजक बन गया उसके उद्दीप्त होने के लिए,
प्रकाशित होने के लिए। विद्यमान ज्ञान भी प्रकाशित होगा ना, क्योंकि कभी ज्ञान कभी इच्छा कभी प्रयत्न, तीनों एक साथ तो होता नहीं, अलग अलग होता है, भले नित्य है। ईश्वर में भी कभी उसके अंदर इच्छा जगती जगत बनाने के लिए, कभी जगत को नष्ट करने के लिए इच्छा जग जाती है। जब इच्छा है तब ज्ञान नहीं रहेगा, जब ज्ञान है तब वहां प्रयत्न नहीं रहेगा। ज्ञान अनुकूल इच्छा, इच्छा के अनुकूल प्रयत्न होता है। जानाति इच्छति यतते, ये प्रक्रिया। इसे इसका कहना है नित्य ज्ञान भले ही है तो उसको प्रकाशित तो करना चाहिए ना, नित्य है लेकिन हमारे ध्यान उस पर नहीं गया। अब ये शंकर का ध्यान उस पर लाना, समाधि से निकालना बोलते, इसलिए शंकर समाधि में रहते, उनको समाधि से बाहर लाओ, तब तो देखेंगे विश्वनाथ स्मरण कर रहा है मेरे को विश्वनाथ पंचानंद, नहीं तो कैसे देखेंगे वो। उसके लिए उनके गुणों का कथन करूंगा, तो गुण कथन करने से, स्तुति करने से वे समाज से बाहर आएंगे, बाहर आकर के हमारा स्मृति को देखेंगे, तब उन हमारे पर कृपा करेंगे। विष्णम शंकर प्रसंग यहाँ पर क्या उत्पादक मात्र प्रयोजकत्व तच्च विषयिता संबंधे न, वह भी क्या करना, विषयिता संबंध से लेना, विषयता नहीं विषयिता। विषयी कौन होता है, ज्ञान, स्मृति ज्ञान जो है ज्ञान है, इसलिए विषयी है, विषयिता संबंध से वहां पर होता है। स्वविशिष्ट तो रूपम, जो कि विषयिता में उस ज्ञान में क्या है, ज्ञान में स्व ही विशिष्ट रूप विद्यमान है, शंकर ही उस स्मृति ज्ञान में विशिष्ट रूप विषय बन के विद्यमान है। तार्श वैशिष्ट्यम एव शंकर ज्ञानगत प्रसाद, यह वैशिष्ट्यता ही उस शंकर भगवान विद्यमान नित्य ज्ञान का प्रकाशन पूर्वक प्रसन्नता होना। तथा च प्रार्थना करतो स्मरणमेव विषयी भूय शंकर ज्ञानम प्रसन्नतात्मकम इति व्यवहारताम नयति इति बोध्याम। इसीलिए एतार जो प्रार्थना करता है कौन, विश्वनाथ पंचानन, उसके स्मरण ही विषय विषयी भूय मैंने ज्ञान आकार को प्राप्त होते हुए शंकर के भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न स्मरण ज्ञान वहां जो नित्य ज्ञान के साथ एकीभूत हो गया, इसलिए विषयी भूय शंकर। इसलिए क्योंकि विषयी भूय क्यों बोल रहे हैं, अविषय का विषय होने का नाम ही विषय, वहां कोई विषय विषय कुछ नहीं होता शंकर भगवान में, वो तो नित्य ज्ञान रूप है अनंत ज्ञान, वहां पर कोई हमारा कोई विषय क्यों बनाएगा वह। इसलिए हम स्तुति करेंगे तो हम उसका विषय हो जाएंगे, अविषय को विषय करता हुआ विषयी भूय शंकर ज्ञानम प्रसन्नतात्मकम। जो शंकर ज्ञान क्या है, प्रसन्नता होना ही उसका ज्ञान होना है वहां। ये तार्श व्यवहारतम नयति, इस प्रकार से व्यवहार को प्राप्त हो जाता है जब हम इस प्रकार की स्तुति करते हैं तो। इति बोध्याम। अब विस्तार रूपेण एक एक विशेषण को भी लेंगे। चूड़ावणी कृत विदु वलीकृत वासुकी लीला तांड पंडिता भव भव्याय भवतु, सीधा अन्वय हो गया है, इत्यन्वय। सच न चूड़ावणी इति अचूड़ाम, चूड़ावणी कृत है ना, ये कैसे कह दिया, पहले उसके समास आदि दिखाएंगे। न चूड़ावणी इति अचूड़ावणी, अचूड़ावणिश्च चूड़ावणी कृत, जो अचूड़ावणी है उसको चूड़ावणी जैसे बना लिया, इति चूड़ावणी कृत च्वि प्रत्यान अभूत तद्भावे च्वि तथा नहीं व्याकरण में। चूड़ामणि कृतो विधुर येन, ऐसा चूड़ामणि कर्ण कार्य, चूड़ामणि कर्ण रूपा अचूड़ामणि को चूड़ामणि कर लेना रूपा जो महान चमत्कारी कार्य को किया है जिसने, येन या कर्तृमित्र किया विदुः येन, ऐसा कर लिया है चंद्रमा को जिसने, वो कहत वह स चूड़ामणि कृत विदुः, कौन, शंकर भगवान। यस्य ललाटे चूड़ामणि स्थानापन्न संस चंद्रमा राजते इति भाव, कहने का तात्पर्य है जिसके, जिस शंकर भगवान के ललाट में चूड़ामणि के स्थान पर चंद्रमा विराजा हुआ है, विराज कर जो है चमक रहा है, वैसा जो शंकर भगवान है। अत्र अचूड़ामणि पदार्थस्य पूर्व कालावच्छिन्न चूड़ामणि सादृश्य अभाव तादात्म्येन चूड़ामणि पदार्थे चूड़ा संयोगिनी अन्वय। कहते हैं कि भाई पूर्व कालावच्छिन्न जो चूड़ामणि, इनकी उस चंद्रमा को जब पहने नहीं थे तब तो कुछ पहने होंगे, जब चंद्रमा को पकड़ के लगा लिए तो लगा लिए, उसे पहले क्या पहने हुए होंगे कभी, तो पहले ये चूड़ामणि तो था नहीं,
लेकिन कुछ और चूडामणी रहा होगा, उस चूडामणी के सदृश चूडामणी को कहेंगे तब ना बनेगा, चौड़ा चूडामणी बनेगा। ऐसा चूडामणी आभूषण लोग पहना करते हैं उसको हमें मानना पड़े, शंकर भी पहले वैसे पहने करते थे, मानना पड़े, पहनते थे वो। उसके बाद अपने समाधि आदि में चले गए, सब हट गया, उनसे अलग हो गया, उसके बाद बिल्कुल वृक्ष जब हो गए सब आभूषण फेंक दिया। उसके बाद लोगों ने जब शादी के लिए आने लगे पार्वती जी का, तो आभूषण पहनाना था, तो क्या करे, ये तो परम विरक्त है तो को सोना चांदी पहनेंगे नहीं। सब सोच रहे थे इतने में शंकर वास को चिंता मत, लो पकड़ो उसको, चंद्रमा को पकड़ लिया लगाने। इसे पहले पहनते थे नहीं थे, नहीं तो उनको क्या मालूम था चंद्र यहाँ सर में क्यों लगा, यहाँ कहीं लगा लेते, इधर कहीं अगल बगल लगा लेते, सर पर क्यों लगाए को। पहले के आदत भी संस्कार भी चूड़ामणि को वहां पहनने का, उसी संस्कार के उन्होंने पहन लिया, ये माना जाएगा। इसे कहते हैं कि पूर्व कालावच्छिन्न जो चूड़ामणि के सादृश्य वर्तमान में क्या है, अभाव है, वास्तविक साक्षात भी नहीं है इसमें, फिर भी अभावतः वतः अभाव वाला चंद्रमा उसमें तादात्म्येन चूड़ामणि पदार्थे, उसमें तादात्म्य संबंध से चूड़ामणि पदार्थ को हम जबरदस्ती बिठाएंगे। क्यों, चूड़ा संयोगिनी, चूड़ा का संयोग है जिसमें, ऐसा शिव जी को दिखाई दे रहा है। इसे भले ही सादृश्यता नहीं है फिर भी हमें सादृश्यता मानना पड़ेगा। चूड़ा संयोगिनश्च स्वनिष्ठ धर्म प्रयोजकत्व आत्मक निर्वाहक संबंधेन क्रीधात्वर्ते व्यापारे अन्वयः।